अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की मॉर्निंग मेरे लिए कुछ ज्यादा ही ताजा है क्योंकि तीन साल बाद कुछ नयापन सेट पे नजर आया है। और जब भी आप अपने घर की सेटिंग से बोर हो जाते हैं, क्या करते हैं आप, जब आपके पास बजट नहीं होता तो आप सेटिंग चेंज कर देते हैं, सोफा इधर से उधर कर देते हैं, शेल्फ उधर से इधर कर देते हैं, है ना। और उसके बाद जब फिर कमेटी खुलती है, नया सोफा आता है, हैं? नया वॉलपेपर लगता है या रंग करा लेते हैं, तो यकीन जाने वो फीलिंग्स जो आपके दिल की होती है ना कि हाय अल्लाह घर थोड़ा नया लग रहा है, वही फीलिंग्स मेरी है। कहते हैं मुझे इतने साल हो गए शो करते हुए, तो कहते हैं जो भी आपका सेट है जहां बैठ के आप इंटरव्यू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज मैंने सीखी कि वो चीज रिफ्लेक्ट करती है, आपकी पर्सनैलिटी की अकासी करती है। अब फॉर एग्जाम्पल, पहले तो ये होता था कि अच्छा सेट लग रहा है, ओके तो लग गया। होते होते इतने सारे सेट्स मेरे चेंज हुए, लेकिन इस दफा जो है ना वो माशाल्लाह से हमारा सेट डिपार्टमेंट इतना टैलेंटेड है कि सुनता है, वो हमारी सुनता है और वो ये फील करता है, वो ये इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जो होस्ट है उसकी पर्सनैलिटी झलकती है सेट से। और इसीलिए हम लोगों ने मिल के बहुत सारी चीजें प्लान की, होते गए अप्रूवल्स हमारे ऊपर से आते हैं, यानी जजीज से जैसे अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, बताए ऐसा सेट लगाए या वैसा सेट लगाए। तो कितने महीनों से एक्चुअली ये सोचा जा रहा था कि इस तरह का सेट लगेगा, उस तरह का सेट लगेगा। चेंज चाहिए होता है जिंदगी में, और इस चेंज के लिए बहुत जरूरी था कि अब तो सेट चेंज हो जाए। मतलब लोग अब मुझे इंस्टा पे लिखना शुरू हो गए, तो जी फिर उसके बाद एक बहुत दिमाग में ना बड़ी अच्छी चीज आई, और वो क्या आई, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की चीजें पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर हैं। और ये अंदाजा मैंने लगाया ट्रैवल करके, क्योंकि बहुत सारे कपड़ों के टैग्स जो थे उसके पीछे लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान, बहुत सारी ऐसी डेकोरेशन पीसेस थे जिसके नीचे लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि यार हमारे पास जो चीजें हैं हम उसकी कदर ही नहीं करते, और हम पता नहीं कहां कहां से कितने कितने महंगे डेकोरेशन पीसेस खरीद रहे होते जो बाहर से आए हुए। तो क्या हुआ कि फिर मैंने एक डिस्कशन की अपने सेट डिजाइनर जो थे शमसी, उनसे कि क्या करें शमसी, ये है वो है, क्या मर्ज करें चीजों को। तो मैं आज आपको ये कुछ बताना चाहती हूँ कि हमने ना सेट पे चीज मर्ज की है, वेस्ट मीट्स ईस्ट, यानी कि आपको पूरा अटायर थोड़ा सा वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ मॉडर्न लग रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमने जो चीज मर्ज की है सेट पे पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हमारी पॉटरी, हमारी जो टैलेंटेड हैंड हैंडीक्राफ्ट से हमारे टैलेंटेड लोग किसी से कम नहीं। अब आपको नजर आएगी मुल्तान की पॉटरी, आपको नजर आएगी हाला की पॉटरी। तो हमारे सेट पे आप देख सकते हैं, अगर मैं शुरुआत करूं यहां से, कि ये जो खूबसूरती नजर आ रही है आपको, और हमारे सेट पे मुख्तलिफ डेकोरेशन पीसेज हैं, ये हमारे पाकिस्तानी हाला के जो क्या कहते हैं उसे आर्टिस्ट, मैं आर्टिस्ट कहूंगी, आर्टिस्ट जो है उन्होंने ये क्रिएट की हुई है। और जब हम ये सेट डिजाइन कर रहे थे तो हमने कहा कि हम दुनिया को दिखाएंगे कि देखे ना वेस्टर्न अटायर के साथ हमारी ईस्टर्न चीज भी बहुत खूबसूरत लग सकती है। वैसे ये ब्लू पॉटरी पूरी दुनिया में, टर्की की अपनी होती है, चाइना में अपनी होती है, हमारे मुल्तान हाला की अपनी होती है, और इतनी खूबसूरती से आर्टिस्ट जो है ये पॉटरी बनाते हैं। ये रिसर्च करने के लिए बाकायदा मैं बच्चे समेत यासिर मैं हम लोग हाला गए, आप देख सकते हैं हाला गए, मैंने हाला में जाके काफी रिसर्च की, लेकिन मुझे हाला से जब मैं फैक्ट्री में गई, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी वीडियो आप देख रहे, जब हम ढूंढ रहे थे डेकोरेशन पीसेस, क्योंकि देखे ना आपके घर को सजाते हैं ये, वो जो फैक्ट्री थी हाला की उसमें सारा कच्चा माल बना हुआ था, और उन्होंने कहा भाई आप ऑर्डर करेंगी तो हम आपके हिसाब से बना के देंगे। फिर मैं गूगल सर्च करती गई तो मुझे कराची में ही एक ऐसी जगह मिली जो ऑनलाइन अपना बिजनेस करते हैं, और हालांकि वो सारे नसीरपुर, हाँ नसीरपुर भी हालांकि करीब है, नसीरपुर है के, मैं जरा कंफर्म करके आपको बताऊंगी, मुझे मेरे दिमाग से निकल गया,
मतलब कि लाइक इतनी खूबसूरती है उनके कामों में, चाहे कपड़ा हो चाहे डेकोरेशन पीसेस हो अलग अलग. मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये हाला काशगर के नाम से एक इंस्टा पे मुझे पेज मिला. जब मैंने उनको फोन किया तो उनके पास काफी चीजें ये तैयार पड़ी थी, और फिर मैं भाग के कराची में ही उनकी लोकेशन पे गई और वहां से चीजें चूज की, जिसकी वीडियो आपने देखी और अपने सेट पे मर्ज की. तो प्लीज मुझे बताइए कि अगर हमने कुछ चेंज भी करना, आपको लग रहा है निदा यही चेंज होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, तो आप प्लीज मुझे मशवरे दें, क्योंकि वो तो हमारी अब घर जैसी बात हो गई है. तो हाला काशगर से ये सारी जो पॉटरी आपको नजर आ रही है सेट पर, ये वहां से हमने ली है. और कहीं कहीं आपको अजरक का टच नजर आएगा सेट पे, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्यूजन हमने आपको करके दिखाई कि आप अपने घर के डेको और ऐसे कर सकते हैं. पाकिस्तानी चीजें इतनी कोई खूबसूरत है, आपको नहीं जरूरत, और आपको इतनी इकोनॉमिकल भी पड़ जाती है कि आपको नहीं जरूरत कि आप बाहर से जी बाहर की चीजें मंगाएं और उससे अपने घर को सजाएं. तो ये चेंज आपको कैसा लगा, और क्या ये सेट अच्छा लग रहा है या कुछ और चेंजेस करने की जरूरत है, ये सब आपने मुझे बताना है. ये तो हो गई जी सेट की चेंज की बात. फिर मैंने कहा यार पहला दिन है सेट का, तो कोई ऐसा ऐसा गेस्ट होना चाहिए जिनसे मतलब लाइक ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ मैंने कभी सेट पे अपने कभी गप नहीं लड़ाई और कभी बातचीत नहीं की. वैसे ऑफ कैमरा हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. दोनों सेलिब्रिटीज जो आज शो पे हमने बुलाए हैं, उनकी जिंदगी में भी बहुत चेंजेस आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उस चेंज के साथ बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी को निभा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को. Assalamualaikum everyone. Please subscribe to AIY Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.